अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, अमरावती रोड कुंडाली से कुछ किलोमीटर दूर पे दशमिश ढाबा लगता है, उसके सामने से जंगल में रोड अंदर जाता है और दरबार शरीफ का मुझे कुछ मालूम नहीं लोकेशन, वहाँ चल के आप लोगों की हाजिरी और सलाम पेश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये फन एंड फूड, ये फन एंड फूड के पास से हम आगे जाएंगे। ये अमरावती रोड है, होटल अनंत तारा, इसके सामने से आगे जाएंगे तो कुछ 8 किलोमीटर पे लेफ्ट फाटा पड़ेगा और वहाँ से हम दरबार के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ से अभी कुंडाली 10 किलोमीटर है, और हमारा सफ़र शुरू है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए राजकमल ढाबा, उधर लेफ्ट में राजकमल ढाबा लगेगा, और ये नागपुर से रोड आ रहा है कुंडाली, यहाँ से 4 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पे ये सरकार का बोर्ड आपको नज़र आएगा, देखिए ये बोर्ड है, मैं नज़दीक से बताता हूँ आप लोगों को। हज़रत सैयद रहमान शाह बाबा कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह मोती जीरा टेकड़ी नागपुर अमरावती रोड कुंडाली। देखिए माशाल्लाह मेरा ही नाम लिखा है नीचे बोर्ड पे, अफसर हुसैन खादिम और अफसर ताजी वहाँ कवरेज के लिए जा रहे हैं। ये होती है अल्लाह की मसलियत, माशाल्लाह। ये यहाँ पे परचम लगा हुआ है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हमारा हेलमेट टंगा हुआ है, और ये देखिए सामने मोती जीरा टेकड़ी। मैं जूम करके दिखाता हूँ, मोती जीरा टेकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा फॉरेस्ट है ये भी। अब यहाँ से हम अपना सफर शुरू करेंगे। कि हम लोग यहाँ से अभी आए और यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, वो सामने उस रास्ते से ऊपर जाना है। देखिए ये रास्ता दरबार शरीफ पे जाता है सीधा पहाड़ी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी अभी यहाँ से ऊपर आई और देखिए यहाँ पे एक गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से आगे जाना है। दोस्तों हम लोग दरबार शरीफ पहुँच चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं और आप लोगों की हाजिरी और सलाम हज़रत की बारगाह पे पेश करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं, आइए भाई। तो देखिए ये आपका परचम, माशाल्लाह। ये दरबार शरीफ जंगल के बीचों बीच हज़रत सैयद रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती, ये मज़ार पाक अंदर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये होती है शान अल्लाह वालों की। ये दरबार शरीफ है
और पहली बार मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। बाहर गए रहमान से होली की चौकट पे अभी हम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और वहाँ चल के आप लोग की हाजिरी और सलाम पेश करेंगे। अल्लाह इनके सच्चे टूटे आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम कबूल करे। चलिए अंदर चलते हैं। बाबू हसनैन पानी ये चप्पल निकालो। पानी हसनैन चप्पल निकाल दे इधर। पानी ये मज़ारे पाक है और बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी यहाँ पे हाजिरी दूँ, तो आइए इधर भी चलते। बहुत सी परेशानी है उनको तकलीफ कर सकते तो फिर दूर कर देते। इधर भी दरबार शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। ये है एक और दरबार यहाँ पे। कई बार मैं यहाँ पे तशरीफ आप लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे आके न्याय उल्लंघन कीजिए, सरकार का पैर हासिल कीजिए। देखिए माशाल्लाह ये चांदनी तस्लीम भाई हाजिरी देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दुआ कीजिए माशाल्लाह आपने हमारे हक में इन बारगाह पे दुआ के लिए अर्जी रखी, दरख्वास्त की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह। ये दरबार शरीफ है और फरवरी के महीने में यहाँ पे उर्स होता है। आमीन माशाल्लाह आमीन। इसीलिए तो कहते हैं अनवार रिसालत के अनवार चमकते हैं। अल्लाह के वलियों को मुर्दा ना कभी समझो, अल्लाह के वलियों के दरबार चमकते हैं माशाल्लाह। ये शान होती है अल्लाह वालों की।
तो चलिए दोस्तों, सरकार रहमान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारत आप लोगों को करवाई। आप लोगों का सलाम और हाजिरी की बारगाह पे मैंने पेश की। आप तमाम लोग इनके सदके तुफे अपने अपने घरों में बैठ के खुशहाल रहिए, ज्यारत कीजिए और अल्लाह इनके सदके आप तमाम लोगों को हर जायज दुआ पूरी करे। आमीन। आपके घर में खुशी आए, बीमारियां दूर हो, अल्लाह आप तमाम लोग साथ रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये अहाता बनाया गया है और ये अभी जो मैं आप लोगों को अंदर ले जा रहा हूँ मोती जीरा, यहाँ पे जीरा है, दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए बोर्ड सीधा करो थोड़ा, देखिए इस पे लिखा हुआ है हजरत बाबा रहमान शाह मोती जीरा। तो देखिए ये भाई हमारे बाल्टी डाल रहे हैं जीरे में और यहाँ जीरे से पानी आता है, कुदरती जीरा है ये। देखिए माशाल्लाह इन्होंने जीरे से पानी निकाले और एक मिनट देखिए ये जीरा, ये देखिए कितना साफ सुथरा पानी है। कहते हैं नदी में जीरो में पानी में पैसे डालने से और पैसा आता है, इसलिए तस्लीम भाई ने भी वहाँ पे पैसे डाले हैं सिक्के। चलिए हम भी जीरे के पानी से मुँह हाथ धोते हैं। तो मोती जीरा, इस जीरे से हम भी थोड़ा सा मुँह हाथ धोएंगे और खुश्क करेंगे अपने आप को। अब अच्छा लग रहा है, यानी ये अल्लाह की मसलियत थी कि हम यहाँ आए सरकार में और इस चिलचिलाती धूप में इस जीरे के सफ़ा वाले पानी से, इस जीरे में बहुत शिफा है। अगर किसी को कोई जिस्मानी बीमारी है इस जीरे के पानी से नहाइए, अल्लाह इनके सदके तमाम लोगों को शिफा याफ्ता करता है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। माशाल्लाह देखिए जंगल के बीचों बीच सरकार का नवाज शरीफ और देखिए यहाँ पे जायरीन सरकार में हाजिरी देने के लिए तशरीफ लाए, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं इस जंगल में
حضرت رحمان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ ہے یہاں، اور آپ کے یہاں بہت فیض ہے۔ یہ ہمارے بھائی جان ہیں۔ بھائی جان السلام علیکم۔ آپ کہاں سے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، کنڈالی سے آئے آپ؟ تو آپ کا نام بتائیے۔ عبدالحفیظ۔ ماشاء اللہ، سرکار کے صدقے طفیل آپ کو اللہ کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ تو یہاں ہمیشہ آتے ہوں؟ تو یہاں کے بارے میں کچھ، کتنے سال پرانا دربار ہے یہ؟ بہت سال ہے، بہت سال پرانا ہے، ہمارے دادا پردادا کے زمانے کا۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور یہاں کے خادم ہمارے افسر بھائی ہے۔ اچھا، کہاں کے ہیں وہ افسر؟ علی کے۔ اچھا، تو جامع مسجد کے یعنی ممبر بھی ہے۔ اچھا، جو میں بھی ممبر ہوا تھا۔ جی جی جی، ہمارا دوست ہے وہ خاص۔ جی، تو ہم لوگ بھی پہلی بار یہاں پہ تشریف لائے۔ اب ہم وہاں گئے تھے، وہ باجر گاؤں پہاڑی پہ۔ ہاں، پہاڑی پہ۔ وہاں سے بولے ادھر ہے، تو ادھر ہم تشریف لائے۔ بہت مشہور ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں کا عرس ہوا ہے فروری میں۔ ہاں، فروری کے اندر خواجہ غریب نواز کے چھٹی کے۔ اچھا اچھا اچھا، موقع پر ہی رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ہمارے بھائی جان تھے، کیا نام بتائے؟ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ بھائی جان نے تھوڑی یہاں کی بارے میں معلومات دی، اور خوش نصیبی کہ کوئی ہمیں یہاں ملا نہیں، تو ہم کو ایسا لگا کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا۔ یہاں جو وہ جمعرات کا دن رہتا ہے، یہاں مجمع رہتا ہے، پبلک رہتی ہے۔ اچھا اچھا، باقی سنیچر کے دن وغیرہ۔ بہت بہت شکریہ، جس کو لگتا ہے وہ آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو دوستو، نام؟ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ بھائی، انہوں نے جو بھی معلومات دی، اس کے لیے ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اللہ ان کو اور ان کے پریوار کو، بچیوں کو، تمام کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ اور اگر دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ زیارت اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ چلیے، ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔